हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, पालमपुर गांव की कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए इंट्रोडक्शन दिया है, जिसे हम हिंदी में अवलोकन बोलते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस पैरा में आपको इम्पोर्टेंट जो इन्होंने इंट्रोडक्शन में जो इनका एम है वो एक्सप्लेन किया है कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे प्रोडक्शन, उत्पादन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्पादन? यहाँ पे हम उत्पादन से समझ सकते हैं, जैसे किसान है, तो किसान अपने खेतों में कुछ फसल उगाता है, तो जो ये फसलें हैं वो उसका क्या है? उत्पादन, प्रोडक्शन। तो इसी का एम, इसी को एम लेके हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो एक्सप्लेनेशन है वो मोस्टली एक काल्पनिक विलेज, एक इमेजिनरी गांव लिया गया है पालमपुर, उसके माध्यम से हम पूरा इसको समझेंगे चैप्टर को। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। अगर आप यहाँ की मेन एक्टिविटी देखें इस विलेज पालमपुर की, तो यहाँ पे मेनली जो लोग रहते हैं वो किस तरह का काम करते हैं, तो वो करते हैं खेती। इसी से उनका सारा इनकम सोर्स, जितने भी इनकम सोर्स है वो खेती से आती है। जबकि अन्य कई क्रियाएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पालमपुर विलेज में सब लोग खेती करते हैं, बट खेती के अलावा और भी बहुत काम किए जाते हैं, तो वो काम भी इस सेकंड पैरा में एक्सप्लेन है। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मृदा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो पालमपुर विलेज में जहाँ खेती एक मेन क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है, इसके अलावा और भी लोग कुछ और भी काम करते हैं, जैसे कि लघु स्तरीय विनिर्माण यानी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि छोटे से शॉप चलाना जिसमें वो अपना सामान दूसरे ग्राहकों को बेचते हैं जिससे उनकी इनकम आती है। इसी तरह से डेयरी, जिस तरह से पालतू जानवरों को पाल के डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचना, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसपोर्ट करके भी वो अपने इनकम सोर्स को अर्न करते हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि इतने सारे काम करने के लिए, जैसे खेती करने के लिए भी हमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हमें खेती करनी है तो सबसे पहले हमें जमीन चाहिए, जमीन मिट्टी, मिट्टी हमें सॉइल चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो मिट्टी और सॉइल है वो एक तरह की नेचुरल रिसोर्स है, जैसे लिखा है प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, उसके उसको यूज करने के लिए हमें किसी तरह की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, हमें किसी तरह का पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। सेकंड हमारा है मानव निर्मित वस्तुएं। इंसान के द्वारा भी कई सारी चीजें बनाई गई हैं, जैसे बैलगाड़ी, जानवर को जोड़ के पहियों की सहायता से बैलगाड़ी बनाते हैं, जिससे कि हम एक चीज को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आती हैं मानव निर्मित वस्तुओं में। इसी तरह से मानव प्रयास, ये मानव का प्रयास ही है, ये लेबर होता है। अगर हम जमीन है हमारे पास, सॉइल बहुत फर्टाइल है, एकदम उपजाऊ मिट्टी है, बट अगर हम उसमें खेती ना करें, अपना मानव प्रयास, अपना लेबर ही ना लगाएं, तो उससे वास्तव में कोई उत्पादन, कोई प्रोडक्शन होगा ही नहीं। मुद्रा, मुद्रा मीन्स करेंसी। हमें अगर मिट्टी, अगर हमें लैंड चाहिए, हमें जमीन चाहिए खेती के लिए, तो हमें पहले लैंड खरीदना होगा, तो उसके लिए करेंसी, मनी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ये सब संसाधन बहुत ही जरूरी होते हैं किसी भी क्रिया को करने के लिए। पालमपुर की कहानी से हमें एक चीज और पता चलेगी कि इस गांव में कौन कौन सी इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। इसमें वास्तव में विलेज पालमपुर गांव, जो पालमपुर है वो किस तरीके का गांव है, किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, यहाँ के लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं, उनके घर कैसे हैं, तो ये सब इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। तो आप पहली लाइन में देखिए कि पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। तो अगर भली भांति जुड़ा हुआ है तो ये शो करता है कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन
मतलब रोड वगैरह अच्छे से बनी है और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन मोड बहुत ही अच्छा है। एक बड़ा गांव यहाँ पास में, एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में ये सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। तो इतनी लाइन से हमें ये पता चलता है कि विलेज पालमपुर जो है, गांव पालमपुर, वो एक बड़े गांव रायगंज जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, अच्छे से जुड़ा है। और प्रत्येक मौसम में ये जो रोड है रायगंज को, जो पालमपुर को रायगंज से जोड़ती है, ये रोड प्रत्येक मौसम में, प्रत्येक मौसम का मतलब है हर मौसम में ये रोड यूज में आती है। ऐसा नहीं है, हमने बहुत, जब हम छोटे थे तो हम लोग पढ़ते थे कच्चा रोड पक्का रोड। तो कच्चा रोड मतलब ये होता है कि जहाँ जो कच्ची रोडें होती हैं वो सीमेंटेड नहीं बनती हैं। तो इस तरह से वो, जब हम कोई और वेदर में उन रोड को यूज नहीं कर पाते हैं, बट इस तरह की जो रोडें होती हैं, जो पक्की सड़कें होती हैं, वो हम हर मौसम में यूज कर सकते हैं। उनमें गड्ढों में कभी बारिश में पानी वानी नहीं भरता है। तो इन्होंने यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी है कि प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, गुड़ जैगरी, तो यहाँ पे जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो उसके लिए यूज होती है बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे छोटी गाड़ियों से लेकर आप बड़ी गाड़ियां भी देख सकते हैं। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि ये गांव कोई इतना ज्यादा पुराना गांव, गया गुजरा कोई गांव नहीं है। ये ऐसा गांव है जो प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेसिव है और डेवलपमेंट की राह पे चलता जा रहा है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। तो इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, जो ये एक्सप्लेन करता है कि इस गांव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जाति के लोग रहते हैं, बल्कि बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। तो गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। इस लाइन से हमें ये पता चल जाता है इस गांव के बारे में कि जो लोग यहाँ पे 450 परिवार रहते हैं विभिन्न जातियों के, उनमें से गांव में अधिकांश भूमि, जो लैंड है वहां का, जो जमीन है, वो किसके कब्जे में है, वो है उच्च जाति के लोगों के। और वो उच्च जाति के लोग हैं 80%, 80 परिवार जो है यहाँ पे वो उच्च जाति के हैं। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि ये यहाँ पे जाति भेद माना जाता था, लोगों को जातियों के उसपे विभाजित किया गया था। तो थोड़ा सा मतभेद था जातियों को लेके, और जो उच्च जाति के थे उनके पास बहुत सारा लैंड था, बहुत सारी जमीन के वो स्वामी थे, और साथ में उनके जो मकान थे वो बहुत ही बड़े थे और ईंट और सीमेंट से, जैसे पक्के बने हुए थे, पक्के मकान बने हुए थे। इसके साथ अब देखिए, अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। इसका मतलब जो नीच जात, जो थोड़ी छोटी जात होती है वहां पे, जैसे अगर आपको पता ही होगा कि हमारे समाज में हिंदू धर्म में काफी सारी जातियां बताई गई हैं, तो उच्च जाति से जो छोटी जातियां होती हैं उनको अनुसूचित जाति, दलित या दलित के नाम से जाना जाता है। तो उन लोगों की संख्या अगर गाँव में देखें तो कुल जनसंख्या का 1/3 है, मतलब 1/3 है। और और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। तो यही मैंने आपको बोला कि वहां पे जाति जाति भेद माना जाता था, जातियों काफी इस चीज को बिलीव करते थे वो लोग, कास्टिज्म को। इस वजह से उनके जो घर थे अनुसूचित जातियों के, वो गांव के एक कोने में थे, वो बहुत छोटे थे। और अगर ये घर आप देखें तो ये कोई पक्के घर नहीं थे, ये घर थे जो मिट्टी और फूस के बने थे, इसका मतलब वो कच्चे घर थे। अधिकांश के घरों में बिजली है, अगर पूरे विलेज पालमपुर की बात करें तो बहुत सारे लोगों के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। अगर खेतों में आप देखें तो यहाँ पे जो यहाँ के ट्यूबवेल्स हैं, जो हैंडपंप्स हैं, वो सब बिजली से चलते हैं। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय भी है, जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इस डिस्क्रिप्शन से हमें इतना पता चल जाता है कि यहाँ पे सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड किया है इस गांव में। इस गांव में बिजली है, लाइट है, और जिससे कि ट्यूबवेल्स चलाए जाते हैं और वो सिंचाई के काम में यूज होते हैं, खेतों में पानी भरने के काम में। इसके साथ और काम में, जैसे हमें पता है बिजली और भी कई कामों में उपयोग में लाई जाती है, फैक्ट्रीज में, दुकानों में, तो उस तरह से इनका उपयोग होता है। साथ में अगर पालमपुर में देखें तो 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं और 1 हाई स्कूल भी है। इसका मतलब यहाँ थोड़ी सी एजुकेशन लेवल अच्छी है, आपको पढ़ाई अच्छे से होती है। गाँव में एक अगर देखें तो आपका एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट
अब प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, गवर्नमेंट के थ्रू भी और प्राइवेट निजी तौर पे भी, जहाँ पे रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया है बॉक्स में, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में, जो अब हम कंक्लूजन देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको लाइन टू लाइन पूरा एक्सप्लेन किया है कि इस पैरा में वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी एकदम कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया गया है कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में, अब तक जितना भी हमने पढ़ा उससे हमने ये समझ लिया कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना हमने निकट के गांव वो गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। तो ये एक आपको टास्क दे दिया गया, इतना की एक्टिविटी दे दी गई। तो हमारा मेन कंक्लूजन यही है, सपोज करिए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गिव आपको बताने है कि पालमपुर विलेज के बारे में आप एक विवरण दीजिए, या किस तरह की सुविधाएं पालमपुर विलेज में है, तो तब आपको ये सारी की सारी जो सुविधाएं यहाँ पे दी हैं वन बाय वन, ये शॉर्ट में आपको सिर्फ हेडिंग्स में लिखना, और इसके अंदर आपको जो जो लाइंस हमने पैरा में रीड करी हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। तो आप देखिए, एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो इस पैरा में ये चीज बताई गई है कि किस तरह से गांव पालमपुर, जो एक काल्पनिक गांव है, इसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियां, किस कौन कौन सी गतिविधियां हैं, और हम जब कोई भी काम करते हैं, कोई भी उत्पादन करते हैं, तो उनके लिए क्या चीजें जरूरी होती है, कौन सी गतिविधियां जरूरी होती है। तो मुख्यतः पालमपुर विलेज में, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि यहाँ पे खेती ज्यादा से ज्यादा खेती का उत्पादन होता है, खेती के उत्पादन वाली प्रमुख क्रियाएं गतिविधि होती है, बट इसके साथ ही गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कृषि क्रियाएं किसे कहते हैं और गैर कृषि क्रियाएं कौन सी होती है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी कि कृषि क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जो कृषि से रिलेटेड होती है, जो किसान खेती करके खेती के कामों से रिलेटेड होती है, उससे उसका अर्निंग सोर्स होता है, उससे उसकी इनकम आती है। तो इस तरह की क्रियाएं जब कृषि से रिलेटेड होती है, उससे इनकम कमाई जाती है, तो वो होती है कृषि क्रियाएं। और गैर कृषि क्रियाएं जो कृषि से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होती, कृषि से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, इसमें जो लोग हैं वो पैसे कृषि करके नहीं, खेती करके नहीं, बल्कि और कुछ काम करके कमा रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपका बिल्कुल इस चैप्टर इस पैरा में दिया गया है, गैर कृषि क्रियाएं होती है लघु विनिर्माण, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि पापड़ बनाना, कोई भी आपने स्मॉल फैक्ट्री लगा लिया कोई भी, तो इस तरह की ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें आप कोई भी खेती नहीं कर रहे, कोई भी कृषि से रिलेटेड ये क्रिया नहीं है, बस आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह किसी भी व्हीकल की हेल्प से पहुंचा रहे हैं, तो ये आपका परिवहन में आता है। दुकानदारी, दुकानदारी आपने एक दुकान खोली, आप चीजों को बेच रहे हैं, तो उसमें कोई खेती से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, तो ये आपकी होती है गैर कृषि क्रियाएं। किस तरह की क्रियाएं होती है ये, गैर कृषि क्रियाएं। तो और एग्रीकल्चर जो खेती होती है वो पूरी की पूरी आपकी कृषि क्रियाएं होती हैं। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट पेज अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।